आई लव यू लानत खले दे रहे किस चीज का आई लव यू के लिए अब मैं अमर कह रहा हूं हाँ। दूर फिटिंग नहीं कह रहा हां तुम इंडिपेंडेंट हो तुम्हारी अम्मी इतनी, इतनी बड़ी एग्जांपल है एग्जांपल हाँ। है फाइनेंशियल हाँ। इंडिपेंडेंस हाँ, 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 हाँ। की हाँ, हाँ, हाँ। अब मैं कैसे मान लू कि एक औरत घर से निकाली हुई है वो दो चार दिन अपनी बेटी के घर रह के रोल खुल के बर्बाद हुई हुई है Uh, कैसे उसके नाखून इतने लंबे लंबे मैनिक पैड मैनी पेडी क्योर और हुए हुए हैं कैसे वो फुल मेकअप किया हुआ है उसने कैसे उसकी आंखों के आई शेडो भी लगी हुए कैसे वो गहरी लिपस्टिक लगा के हाउ हेलो वेलकम बैक टू आवर चैनल ए के वर्स मेरा नाम है अरслан खान और आप लोग देख रहे हैं टीवी लाउंज टीवी लाउंज है हमारा वो सेगमेंट जहां डिस्कस करते हैं पाकिस्तानी ड्रामास को और मेरा साथ देते हैं मेरे दोस्त एतिशाम समजाऊं अस्सलाम वालेकुम डिस्कस डिस्कस मैंने इसलिए बोला कि वी आर नॉट क्रिटिक ठीक है लेकिन पता नहीं क्यों हम अपने आप को कहने बैठ जाते कोई नहीं कहता

आंटी सारी नानियाँ चाचियाँ दादियाँ जो भी आ, जो है वो इस तरह के शोज देखते हैं जिनमें ड्रामास या मूवीज या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के हवाले से डिस्कशन होती है तो उनको जरूर बताएं जी कि ये दो बच्चे हैं बच्चे है। नहीं है

अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा आप बताएं कैसा रहा बहुत अच्छा एक है? तो बहुत बिजी हाँ टू बी वेरी बिजी और दूसरा ये कि एक आपके लिए नया इंटरव्यू आने, आने वाला है जो बले लोग इंस्टाग्राम शावा शावा हाँ शावा शावा हाँ. बल्ले

तो मुझे ना कभी ऐसे बीच में मैंने एक दो दफ़ा रोते हुए भी कह दिया कि नहीं हम नहीं करेंगे इंटरव्यू हाँ। लेकिन हम रिव्यू ऐसे ही देंगे हाँ, हाँ। लेकिन जब आप प्यारी प्यारी बातें सुनते हैं अपने हाँ, बारे हाँ। में और ठीक है वो मैं कुछ इम्प्रूवमेंट हाँ, की भी चीज़ें हाँ, बोलते हैं और होनी भी चाहिए हर हाँ, हाँ। कोई परफेक्ट नहीं होता वी आर नॉट परफेक्ट एंड वी एडमिट दैट हर एक में इम्प्रूवमेंट के चांसेस होते हैं बड़ी खुशी होती है कि वो हमें इस काबिल समझते हैं कि वो हमें

मुझे 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 लीना ने भी कहा जब वो क्या हुआ हुआ है आप क्यों नहीं नहीं बोल रहे मतलब मुझे समझ आती हाँ. कि इंटरव्यू उधर uh, बैठा हुआ था उस दिन तो जैसे मैं अभी देख रहा हूं हाँ. और ऐसे करके टूट जाएगा हाँ. तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि हमें सेलेब्रिटी मतलब जो वाकई अच्छा काम कर रहे हैं वो पसंद कर वो रहे, पसंद कर रहे हमें नहीं चाहिए बहुत बड़े

क्योंकि वो हमारे नजदीक एक बड़ा डायरेक्टर है हाँ और जब और... आ, आ, आप लोग कहेंगे कि हर दफा आपकी सेम बातें कैसे होती है नादिया के टाइम भी यही हाँ था हाँ अलीना हाँ के वक्त हाँ भी यही हाँ था मुसद्द के वक्त हाँ भी यही है आ, क्योंकि इन लोगों के बारे में हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था हाँ कि ये लोग हमारे हाँ बारे में ऐसे हाँ कुछ बिल्कुल हाँ ऐसी

हाँ, हाँ लेकिन मून ने मेरे लिए कल जो किया हाँ, है ना हाँ। तो आपको क्या बताऊं वो हम आपको बता नहीं सकते हाँ। मून ने इस दीवार से किसी को एंटर नहीं होने दिया मैं बेटा उधर। उधर नहीं 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 अभी नहीं हुआ। हाँ, अभी नहीं हुआ। <laughs> अभी बस नहीं हुआ। बस यार एंड आपकी जरूर तारीफ करूंगा भी की इतना अच्छा इंटरव्यू कंडक्ट करना बहुत कम लोगों को आता है

और कोई इंसाइट वगैरह होनी है वो खुद नेचुरली आ जाती है हाँ, आपके पास हाँ. आपको कुरेदने की जरूरत नहीं पड़ती है ऐसे जैसे हाँ. कॉन्ट्रोवर्सी लोग अक्सर कोशिश करते हैं कि हम वही सवाल वो ही इस है नहीं जरूरी यार नहीं जरूरी आप अगले बंदे से उसके काम की भी बात कर सकते हैं एंड येट यू कैन

है भी नहीं कोई अब क्या करूं जन्नत से आगे जिसने किया हो मैं उसको क्यों कहूं तुमने ऐसा कुछ किया कोई बात नहीं खैर कुछ सोच के ही बैठा होगा ना तो सुन मेरे दिल को साइड पे रखो हाँ। मिट्टी डालो ओके वो हम आज, आज कर भी नहीं हाँ, वो आज हम नहीं कर रहे वो हम इंशाल्लाह मंडे वाले दिन वो लेके आएंगे बट देयर वर फ्यू डिसअपॉइंटमेंट्स

हाँ, उतना पार्ट ठीक हाँ। है अच्छा उनके शो में ना मैंने उनके शो का फॉर्मर देखा आई लव लवर मुझे उनके इंटरव्यूज बहुत पसंद यस, है यस, अभी करंटली हाँ, हाँ। और आ, उनके इंटरव्यूज में वाकई वही जो चीजें हाँ, हम एक्सपेक्ट करते हैं वो इंटरव्यू में होनी चाहिए उनमें वो जो हाँ, कॉमेडियंस तो उनको दिया जाता है कि भाई आप इतना बोले और इतना ही जोक आपको इतनी कॉमेडी रिलीफ चाहिए तो वो सीरियस चीजें भी चल रही और नॉन सीरियस चीजें भी चल रही है तो ये इस बात पे पहले उनको कूडोज दूसरा ये उसमें ना एक सेगमेंट होता है जिसमें अवाम क्वेश्चन तो उसमें से किसी अवाम का एक सवाल था कि आप लोगों के साथ अप्रीशियट करती हाँ, हैं या ना भी हो तो कोई हाँ, कोई आपको कैसे पसंद आता है तो वो कहती है मैं सिंगिंग बेसिस के गो गो हाँ, हुँ, 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 के ऊपर लोगों को जज करती देन वसी सेड हम हाँ बगैर किसी का नाम लिए होता है आपको इंडस्ट्री में जो है वो ओवररेटेड है या टैलेंटेड नहीं है तो उन्होंने नाम ही ले लिया उन्होंने कहा ऑटोट्यून खत्म हो जाए तो बहुत सारे खत्म हो जाए और मैं समझती हूँ कि जो अहम बेग हैं उनमें से एक है देखिए ऑटो ट्यून का अगर ऑप्शन निकाल देना तो <laughs> फिर आयमा भी बिल्कुल सिंगर नहीं है ठीक <laughs> है और शक्ल आपको पसंद हो सकती है आ, उनका दूसरा टैलेंट आपको पसंद हो सकता है पर सिंगिंग में से नो आ, प्लस उन्होंने शायद मैं याद शायद का भी जिक्र किया कि अगर मैं कहूँ कि वो अच्छी हैं प्यारी हैं वो बहुत हैं लेकिन अगर उनसे सिंगिंग करवाओ तो ये एक गलत एक्सपेक्टेशन होगी उनसे ठीक है तो ठीक है सारा रजा खान मेरी बड़ी फेवरेट है असलान मेरी भी शी इज अ एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्सट्रीमली टैलेंटेड उनकी आवाज इतनी मधुर है इतनी मधुर है कि जिसकी कोई हद नहीं है इट्स वेरी ओल्डिश बॉलीवुडिश हां हां लता टाइप लता साधना साधना सर साधना सर आशा हाँ। सम 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 वेयर बिटवीन श्रिया हाँ। वो वाला एक पैटर्न है मैं अलका नहीं कहूंगा अलका थोड़ी ज्यादा थोड़ी ज्यादा हाई पिच है

इसमें ना दो मेरी राय है एक तो उन्होंने बाकायदा बोला कि बगैर नाम लिए आप करें तो नाम उनको नाम नाम नहीं चाहिए बट अगर आपने नाम ले लिया है फॉर एग्जाम्पल तो इसमें गलत क्या है इट्स हर ओपिनियन उससे पहले ये बात बोली कि मेरे दोस्त नहीं है मैं यहाँ पे किसी को खुश करने नहीं आई ये तो उन्होंने बार बार कहा ठीक है तो अगर जब हम नादिया अफगन के टाइम पे हाँ। हम उनको सपोर्ट करते हैं हाँ। कि, कि अपना अपना पॉइंट पॉइंट ऑफ ऑफ व्यू व्यू देना हाँ। हाँ। और उसको अमाम में एक्सेप्ट करना अगर मुश्किल आ, मतलब अगर इतना मुश्किल क्यों है बिल्कुल हाँ, है, जब आप आज क्योंकि आयमा इतनी पब्लिक में उसकी बड़ी धोई हाँ, जाती है आज बहुत धोई जाती है लेकिन अभी आप दोबारा भी उसको ही धो रहे हो आयमा को सारा को सब सपोर्ट करते हैं तो ये वाली सपोर्ट तब आप लोगों ने नादिया अफगन की क्यों नहीं की हाँ बिल्कुल है जब और उसने यमुना के बारे में हाँ, ऐसा बोला हाँ, हाँ बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल है? हाँ। तो ये एक, एक, एक हमारे माशरे की वो है duality. Duality हाँ, है है ठीक जहाँ आपको आर्टिस्ट बुरा लगता है अगर उसकी बुराई हो रही है तो आप उसको एंजॉय करो जहाँ आपको आर्टिस्ट अवामी हाँ, है हाँ, ज्यादा पसंदीदा हाँ, है तो उसको हमारे करंट इंटरव्यू में हमने उस बात को डिस्कस नहीं किया हम उधर जा भी रहे थे तो मैं फौरन फोरन कह रहा था कि नहीं नहीं उधर ना जाए इधर वापस आ जाए ठीक है

आपने सारा रजा खान को तो स्टार नहीं बनाया ठीक हाँ। है तो आप अगर इतना पसंद करते हैं उनको अभी जो लोग बड़के मार रहे हैं हाँ। और ऐसे जमीन आसमान के कलाबे मिला रहे हैं तो कहा थे आप लोग जी जब वो आ, स्टार ऑफ इंडिया में गई थी सारे गा में गई थी जहाँ भी गई थी दो तीन क्षेत्र में भी गई थी ठीक है आ, वहां पे आप कहाँ पे थे उनकी सपोर्ट लेके आपने आपने उनको सिंगर नहीं बनाया आपने अमाबाई को सिंगर बनाया तो ये आपका कसूर है आप हिट कर सकते थे उसको

ठीक है तो हाँ, ये आंटी आंटी तो ये तो फिर आपकी तो सिक्योरिटी हाँ, आ गई हाँ, ना हाँ, बिल्कुल आ गई आप हाँ, 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 तो हाँ, 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 आपको ऑटोट्यून पे वो किया तो आप ऑटो और आपको पता है नहीं है जिसमें वुमेन कार्ड प्ले होना चाहिए वो वाला पार्ट ना कि औरत ही औरत की दुश्मन नहीं भाई ये तो एक राय है बिल्कुल ऐसे है वो चीज समझती है

अहो वो तो मिसी खान मुझे पड़ गई वो तो एक सोशल इशू था नहीं मैं कह रहा हूं मेरे पे जब कोई बात आएगी नहीं नहीं हाँ ऐसा नहीं, नहीं, नहीं होगा कि मैं शुरू कर दूं तू फलाने आ तू मेरे बारे में चेंज किया सी तू ए तिनू ए मीम तिनू ए मैं ने नेवर अच्छा दूसरी चीज नेवर दूसरी हमने सारा की तारीफ किया है मां की भी तारीफ करनी है मेरी बड़ी फेवरेट है आई लव हर आई नो आपको पता है आई लव हर सॉन्ग में पाकिस्तान मुझे लगता है कि आज अगर कोई प्ले बैक सिंगर है तो वो आयमा बेग है आप देख ले क्या फसरूट देख ले आप ख्वाबों में जब मैं पाकिस्तान गई रेबों में जब मैं पाकिस्तान में। आ, नहीं बटार के मुँह आवाज बड़ी अच्छी है उसमें ठीक है अरसलान और कौन सा गाना था कलाबाज दिल कलाबाज दिल है कलाबाज दिल है बड़े जाने क्या कहे टकेरो टकेरो हाँ, हाँ वो याद है टकेरो मूछ रूठे रूठे से रहते हां कैसा लगा सूरत गाना था हाँ, हाँ। और उसके अलावा आजकल मुझे आयमा का गाना वो बड़ा पसंद आ रहा है आप लोगों को तो नहीं पसंद वो टाइम लैप्स के ऊपर है जो टाइम लैप्स नहीं क्या नाम था उसका सॉरी डिफरेंट टाइम

तो मुझे बेहद पसंद यार उन्होंने कहा भी अच्छा, के बारे में मैं हाँ उस पे भी मैं हाँ। करना चाहता हूँ अगर कोई ऑटोट्यून गाता है ना उसको ये ना कहें कि आप ऑडोट्यून क्यों गा रहे हैं और हाँ। आप सिंपली आपको पता है वेस्ट में एक बहुत मशहूर सिंगर है शेर वो अच्छा अगर शेर अगर किसी को याद नहीं है शेर की वैसे तस्वीर तो 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 लग जाएगी तो अब आ जाएगी दूसरा उसकी वजह शोहरत पाकिस्तान में एक और हवाले से भी हाँ। है, है। Remember, में एक था जिसको वो छुड़वा के श्रीलंका ठीक है तो शेर जो है ना वो सेवन एवन इन इवन सिक्सटीज में शी वॉज स्टार इन क्या बोलते हैं हॉलीवुड और ग्लोबली स्टार थी अमेरिका में अब कभी कभी मैम क्योंकि आई फॉलो बॉब मैकी बॉब मैकी उनके एक बड़े मशहूर डिज़ाइनर हैं क्या बोलते हैं

पहली दफा किसी ने ऑटो ट्यून पे गाना गाया था okay. क्योंकि ओल्ड mm -hmm. वो शायद उस जमाने में उस तरह से नहीं गा पाएंगी uh -huh. या वो कोई टेक्नोलॉजी लेके आना चाह रही थी तो वो गाना आज भी हिट है उसका uh -huh. नाम बिलीव है ठीक uh -huh. है Do you believe in love okay. after love, something uh -huh. like this? ठीक है अभी रिसेंटली जो इस साल का विक्टोरिया सीक्रेट का uh -huh. रनवे हुआ है okay. वहां तक वो गाना यूज हुआ okay. है Okay. तो ऑटो ट्यून को इतना वो करना कि ये एक एक तजलील है हाँ. नहीं देखो ना ऑटो ट्यून गाना एक हाँ. पुरानी सिंगर का कितना हिट हो गया ठीक हाँ. है तो इसमें आप इस मैं वही कह रहा हूँ बैच करने की वजह नहीं है देर इज अ डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल सिंगिंग एंड मॉडर्न सिंगिंग मॉडर्न सिंगिंग का पार्ट ऑटो ट्यून हो सकता हाँ. हाँ. है आप क्लासिकल सिंगिंग में अब बहुत हाँ. आगे हैं ठीक है बट एक बंदा मॉडर्न सिंगिंग कर रहा है तो वो भी ठीक है मुझे कोई इशू नहीं है उससे भी

इंटेंशनली किया बिल्कुल ऐसे ही है तो इट्स हाँ, फाइन हाँ, मतलब हाँ, सारा बी कूल इट्स ओके और दूसरा ये कि आपका मुकाबला ही नहीं हो उसके हाँ, साथ हाँ, हाँ, आपको साउथ एशिया की सबसे बड़ी सिंगर हाँ, सिंगर्स ने आपको अप्रिशिएट किया किया, बिल्कुल किया बिल्कुल किया बिल्कुल आई एम टॉकिंग अबाउट आशा भोसले एंड लता मंगेशकर तो बाकी फेम किस्मत होती है बिल्कुल ऐसी है किसको मिल जाए हाँ। किसको ना मिले किसको कितने सालों हाँ। बाद मिले और किसको, हाँ। किसको, किसको अलीशा को बीस हाँ। पच्चीस साल गाने के बाद जाके फिल्म फेयर अवार्ड मिला थर्टी फर्टी एट उषा उत्थम को जाके हाँ, डार्लिंग हाँ, मिला ठीक हाँ, हाँ, हाँ। है तो ये आप हाँ, थोड़ा बस कोई बात नहीं थोड़ा बिटर हो जाता है थोड़ा बिटर बिटर हो जाता है

दुनिया पूर कभी दुन, मैं कभी तुम और आपने देखा वो जान से प्यारा जूनी नहीं देखा जान से ऑफ चलो काट दिया <laughs> कोई बात नहीं आई फॉरगेट इट आई फॉरगेट इट हां 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 चलें इसका नाम क्या था वो जो भी है रानू मंडल रानू मंडल ये उनकी पैदावार थी हिमेश्वर सिंह की चलें कहाँ से शुरू करें आखिर किस्तों से शुरू होगा हाँ, हाँ। हाँ। तो, पहले किसकी लेंगे आ, अब मैं रोना नहीं चाहता तो जान से हां जान से जी मून हाउ इज द बिरयानी बड़ा है पावे ज़ीर एक तो ये बिरयानी मेकअप बड़ा करती है इसको हाँ। कहो कि भाई मेकअप थोड़ा कम कर हां बिरयानी की बेसे नजर आ रही होती है देखिए ये रेस्टोरेंट की जो बिरयानी होती है ना

ठीक है ठीक है कराची नसीब है बिरयानी मास्टर खैर हम कहाँ पे हाँ, नहीं नहीं हमको बिरयानी रेफरेंस चाहिए था साइंटिफिक हां ठीक है, हा, हा, है साइंटिफिक रहे अच्छा ये बिरयानी तो बहुत बुरी थी सबसे पहले तो आपने इतना टाइम वेस्ट किया सुंबुल और उसके ससुराल पे जी हैं और उसमें से निकाला कुछ भी तेल डाल दिया तेल निकाल दिया जी वो गरीब वांटी लगी हुई थी और उसमें से निकाला कुछ भी नहीं छोटी सी बोतल में तेल था कहती इसको पूरा महीना लेके जाने मुझे पहले ये आंटी बताओ कि तुम्हारे घर में अगर रोजाना खाने पकते हैं तो वो पाया तेल के साथ तुम्हारा महीना तो नहीं गुजरेगा हाँ। ये तुम बिला को बैश कर रही हो, हो मारशाला तो हाँ। 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 तो उसने गदा ठीक हाँ। है आजकल की लड़कियां ये करती है वो करती हैं तो आजकल की लड़कियां तो सब कुछ करती है मेरी जान आप पीछे रह गई है सुम्बल की सास हाँ ठीक है जी तो फिर वो देखो ना नाराज हो के माँगो, पब, माँगो के आ गई इतना क्यों हो गई और अच्छा उन्होंने इतनी नहीं की जो जिस दे दे। में जगह जगह अगर अगर बस वही रह गया था गजल पेशाब करने भी जा रहा है तो वो भी सीन दिखाएंगे ठीक है जिस जिस ड्रामे में इतने इतने सीन आ गए इतनी जहमत नहीं की वो कि सुबल भाग गई ना वहां से घर आ गई डिसाइड करके मतलब इतना लंबा Closure भी नहीं दिया इस को। और इस क्लोजर इस प्लॉट को क्लोजर भी नहीं दिया बस उसको ये रियलाइजेशन करा दी कि वो भाभी अच्छी हाँ, थी फिजा अच्छी थी और और उसको उसने कोई आम, उन्होंने कहा कि ओपन एंडिंग भूल गए होंगे पैंसठ नहीं, 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 में जाके आई रियलाइज कि उस ड्रामे का पैटर्न वही था जिसको मैंने लास्ट वीक डिस्क्राइब किया कि आपने अपना फोकस उधर आपने उनसे कमिटमेंट जो कराई हुई थी हाँ, बड़े स्टार्स की वो एक नॉर्मल ड्रामे वाली हाँ, थी कि हम हाँ, आपको इतना ही शूट हाँ, करेंगे चलो फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि 45 का स्पेल हाँ, उनका थर्टी डेज का सारा शूट करके अंदर डाल के ना उनको फिल किया है दानिश का ड्रामा है उसमें बिलियन मिलियंस आएंगे तो आप देखिए उन्होंने उनको तो दिखाया ही नहीं दानिश के क्या डायलॉग थे पूरे ड्रामे में अपार्ट फ्रॉम जाफर ठीक है हाँ। मतलब वो कोई बकरा जीवा होने वाला होता है हाँ। ना तो जिस तरह तरह हाँ। आवाज़ें निकालता है है ठीक तो 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 वो उस तरह का वो उस का जाफ़र था तो उसके तो कुछ भी नहीं है भी और हाँ। नकल करते हो इवन हमने इतना बैश किया तेरे बिन को लेकिन वो तो थोड़ा उस लेवल के ऊपर क्या बोलते हैं कॉन्टेंट लेवल के ऊपर एक्टिंग लेवल पे उसमें प्रॉब्लम थी बट इधर तो इस तरह के भी प्रॉब्लम्स हैं कि आप कोई एक सीन ये भी नहीं कह सकते कि दिस वाज द मोस्ट पावरफुल सीन ऑफ जान साहब दिस वाज द बेस्ट सीन ऑफ हिबा बुखारी दिस वाज द बेस्ट सीन ऑफ द अनीस तैमूर नो उसमें थे थेमुरतसिम के जी ठीक है मुर्तसिम की कुछ चीजें बहुत मजेदार थी उसका शॉल लेके भागना और लाइक

वो जो एक वो थी जूनी जुन जूनी उसका कुछ ना बताया हाँ। चलो खैर वो तो निकल गया क्या नाम था उसका आ, उसकी जो एक्स गर्लफ्रेंड भी थी एक फरा फरा एंड तक तुम्हारी भाभी अच्छी हाँ भाई तू फिजाना ब्याह कर ने दो दफा मिसकैरेज करवा चुकी बेचारी प्रिंसिपल मिल गया ना खैर दो बच्चों के साथ दो ब, ब, शोर What के साथ दो बच्चे फ्री। ये रेहनाज तो आपकी सोच है ये मेरी बात सुनो क्या किया है इस इस राइटर ने इस ड्रामे में आ, इतनी टिपिकल लेस्ट एंडिंग की है टिपिकल, नहीं, टिपिकल टिपिकल ये गंदे टिपिकल गंदे ड्रामो में यही होती है यार इट वाज मोर लाइक मेरा बेटा अ, मेरे अ, अ, बेटे के जहर मिला देती हूँ क्या है खाने में जहर मिला जहर मिला देती हूँ खा लेगा हाँ, मर जाएगा मर जाएगा इट वॉज मोर लाइक दैट लाइक उस तरह हाँ। का कॉन्टेंट है जो टिकटॉक पे आजकल है मुझे इतना गुस्सा आया हरी दो एपिसोड देख के इवन वो जो डायरी का एक था वो क्या था जी जवार की डायरी जो है वो उसने छुपा के रखी दलबी जवार उदो ही जवरूप ला के साड़ दें दी पांच साल डायरी रख दी और वैसे भी पांच साल का जवार को मरे जवार के मरते तो ड्रामा शुरू हो गया था ठीक है पांच साल अगर जवार को मरे हुए होते तो बच्चे इतने छोटे छोटे कहाँ से आए हैं हाँ। ठीक है या वो बच्चा पैदा करते मर गया था जवार तो ये मुझे नहीं समझ आती इनके डायनामिक्स छोटे छोटे बच्चे हैं ना एक तीन चार साल का होगा बेटा और लड़की तो उस वार को अगर मरे पांच साल बच्चे तो कहां से आए हैं जी और जाफर कहते हाँ, जाफर ला था हाँ। तू वफादारगैर तो तो था नहीं जाफर की इंटेंशन यही था हाँ, कि मेरा गजनवी के साथनबी हाँ भी हट जाए सबसे कटके जो है ना जाफर जो है उसने कहा मैंने सिर्फ गजनवी के साथ ऊपर हाँ। हाँ। से पता नहीं क्या एक मावराई मखलूक है हाँ। पता नहीं क्या चीज है सभी लड़कियां सभी उससे प्यार करती लड़कियां तो क्या लड़के भी ठीक है जाफर ये कश्माला हो गई ये दुआ हो गई ये फरा हो गई ये पता नहीं कौन कौन सा इस तरह के करेक्टर दिखा के आप इस चीज एंड माइंड यू माइंड माइंड यू मैं तीन दफा बोल रहा हूँ गजनवी ने हाँ। दुआ से सॉरी नहीं, नहीं किया नहीं किया और दुआ खुश है लालत खे तेरे थे किस चीज का आई लव यू इतना के नहीं बड़ा इल्जाम हाँ, एक के मेरा नहीं है। लगा के हाँ। उस इंसान ने सॉरी नहीं, नहीं की किया। फिर आप टीवी पे बैठ के अपने-अपने आप की बडाइयां कैसे पेश हाँ, कर सकते हाँ। हैं जब आप माशरे में इतना गंद फैला रहे हैं बहुत बुरी बात है बहुत गलत बहुत गलत मैं देखें मुझे पता है ये इट्स अ वेरी प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट व्हिच आई एम गिविंग बट आप कितना प्रॉब्लमेटिक नैरेटिव सोसाइटी में हाँ। सेट कर रहे हैं कि सब ठीक हो यानी कि आप अपनी पॉपुलैरिटी को किस लेवल तक ले आए हैं इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके कंधों के ऊपर यू कैन शेप आवर सोसाइटी बिल्कुल इंडिया में एटीज के अंदर एटीज सॉरी सेवेंटीज के अंदर लेट सेवेंटीज अर्ली एटीज जंजीर जैसी फिल्में और इस तरह की फिल्में जिन्होंने वहां का पोलिटिकल सिस्टम चेंज कर दिया आ, नेशन बिल्डिंग यस ट्रू और आप हमारी नेशन को रेग्रेसिव बना रहे हैं आ, है। इस तरह की कि मर्द इस, तो मर्द है मर्द, मर्द तो मर्द है।, है। वो निजाम भी लगा हाँ, दे तो वो सॉरी हाँ, नहीं करेगा हाँ, और आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं हाँ, या उसको एक अच्छी शक्ल पेश कर रहे हैं हाँ। इतने मिलियन लोग देख रहे हैं इतने बिलियंस बल्कि लोग देख रहे हैं तो ये तो ये मुझे नहीं समझ आती कि ये पढ़ी लिखी जहालत मुझे है मुझे अच्छा इनकी भी इनको तो छोड़ ही दो ना इन्होंने तो पैसे कमाने हैं खैर पैसे तो उसने भी कमाने हैं जिसने ये गंद लिखा है मुझे उसकी क्रिएटिविटी भी आती ये है यह तुम्हारी क्रिएटिविटी कश्माला पागल होगी पागल खाना चले गई है यह क्रिएटिविटी है जो हम उन्नीस से देख रहे हैं हमारे ड्रामा में कोई अगर नेगेटिव करेक्टर है तो उसको पागल कर दो एंड पे कहां है क्रिएटिविटी यार कश्माला को कोई तो सजा दे और माइंड यू आपके डायरेक्टर और आपके प्रोडक्शन की भी क्या क्रिएटिविटी यही एक पागल खाना हाँ। है जो हम इवन कदूसी साहब की बेवा में भी यही पागल खाना था बला में भी यही पागल खाना था अभी रिसेंटली भी कोई करेक्टर पागल हुआ था उसमें भी यही पागल शिद्दत में शायद यस शिद्दत, शिद्दत में भी यही पागल खाना था हाँ। इतने भी क्रिएटिविटी नहीं चलो कि हम लोकेशन चेंज कर हाँ नहीं करते नहीं करते और आप कहाँ है यार कुछ तो नया करो कुछ तो नया करो और ऐसे लग रहा था जैसे ड्रामे में इतना कुछ हुआ है कुछ हुआ ही नहीं कश्माला पकड़ी गई फराज सरफराज पकड़ा गया और, और और गाई और एंड एंड मून एक और बात मैं बार बार पीछे जा रहा हूँ आप इतना वलनरेबल दिखा रहे हो खातून को हाँ। कि कल को भी गजनवी हाँ। अगर कश्माला पे कोई भी इल्जाम हाँ। लगाएगा हाँ। तो कश्मा सॉरी दुआ, 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 पे, पे। दुआ की जिम्मेदारी है हाँ। अपने आप को प्रूफ करना, इनोसेंट क्योंकि आप तो ट्रस्ट गजनवी नहीं तो अपनी एक खता नहीं मान तो ट्रस्ट करते नहीं है हाँ ट्रू ट्रू नहीं है वो, के वो क्योंकि वो मर्द है, है। तो वो ठीक right, सरदार, लानत पे। ऊपर से उर्दू की इतनी गलतियां एक मैं आपको जुमला पढ़ के सुनाता हूं, जो उसने बोला एक्सपर्टीज नहीं, जाफर, नहीं, नहीं तो बड़ा नहीं, मैं मेरी आ, नहीं। नहीं, आप सुने साई ने आपको तलाक देने के पेपर्स बनवाने का कह चुके हैं कह चुके हैं साइन ने आपको तलाक के पेपर्स तैयार करने का कह चुके हैं ये डायलॉग फिर तुम्हें देना पड़ेगा जरूर दूंगा साइन ने आपको तलाक देने के पेपर बनवाने का कह चुके हैं ये कहीं से मुझे ना इसका कोई स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं है कहां पे है डायरेक्टर कहां पे है राइटर कहां, कहां पे है जो जो कॉल पे सुन रही थी दुआ वो कह देती है जुमला गलत है भाई साइन आपको कह चुके हैं ये साइन ने कह दिया है साई ने कह चुके हैं वाओ वो देखा सी बाबे जी डेले बार आए थी बड़े साई दे भी क्या जवार की डायरी में ऐसा I'm, क्या लिखा था कि उसके डेले बार आए अब इस तरह के और गंद आएंगे नो आईडिया हाउ मच आई एम सैड इस तरह के और गंद आएंगे गालियां इवेंचुअली देखो हम खाएंगे हां

आपको इस चीज हाँ। हाँ, हाँ। के ऊपर स्टेटमेंट देनी पड़ेगी इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आपको सॉरी कहना चाहिए पब्लिकली सॉरी कहना चाहिए क्योंकि जिस तरह का नैरेटिव आपने औरतों मर्दों का हाँ। हम जितने सालों से लगे हुए हैं कि ये जो पोस्ट कोलो, कोलोनाइजेशन हाँ, हाँ। जिस तरह के हमारे ऊपर ये चीजें डाली गई हैं कि आप औरतों को और एग्रेसिव बनाए जबकि हम ऐसा माशुरा कभी भी नहीं थे एक सौ एक डेढ़ सौ साल आप हम कितना उनको और उनकी नेशन बिल्डिंग और उनकी माइंड बिल्डिंग को हम वो करते हैं क्या बोलते हैं बेहतर करने की कोशिश करते हैं इस तरह के ड्रामे और इस तरह का शेट पेश करके आप अपने आप को दोबारा ग्लोरिफाई कर देते आई एम सॉरी आई एम सॉरी वेरी रिग्रेसिव वेरी बैड वेरी बैड वेरी बैड अच्छा थोड़ा सा मूड करें जी प्लीज पत्तों का बन जरद पत्तों का बन मैं स्टैंडिंग ओवेशन कैसे दूं मेरा नहीं मुझे नहीं समझ आती लेकिन मैं इसको बैड की बहुत खूबसूरत इस साल का सबसे अच्छा ड्रामा मैं कहूंगा ओके तुम्हारा एंडिंग के यार एंडिंग 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 इस साल की सबसे अच्छी है सबसे अच्छी दो लास्ट पॉइंट्स हैं एक आध है जो आपने मुझे बताया भी था ठीक है अदरवाइज वेरी इमोशनल वेरी वेरी इमोशनल रोलर राइड ये अब्बाप होते हैं ये अब होते हैं वो साइन वो डेलो वाला साइन जो haan, एक्टर haan, haan. है ना उसने वो कहती है आप मर्द हैं आपको जरूरत नहीं मेरे से माफी मांगनी क्या आपको एहसास हो गया काफी है लानत और इधर देखो और इधर देखो यार सैयद तनवीर अब्बास आप मेरे लिए इस साल के बेस्ट एक्टर हैं अच्छा आ, ये बड़ी मजेदार बात हा, हा, है हां हां एपिसोड आई मून ने देखी और मून ने स्टोरी लिखा दी और आ, मैं कहीं वाकई रोना ना पड़ूं आई वाज सिटिंग हियर और जब मैंने एपिसोड हा, देखी एंड में आई वाज क्राइंग लाइक अ बेबी बिल्कुल ऐसी है सेम सेम बहुत खूबसूरत उस बंदे की आंखों की चमक यस है जी और खुद ही चल यार कैसे कर लेते हैं है, हाँ। पूरा नाम क्या सैयद तनवीर सैयद तनवीर अब्बास यू no हैव हाँ। नो आइडिया वो सीन किस तरह से हाँ। हम तक हाँ। हमने कनेक्ट किया नो डाउट नो डाउट नो डाउट सजल की एक्सपर्टीज है हाँ, रोना हाँ, हाँ, हाँ। बड़ा खूबसूरत रोती हैं जो बोर होती हैं तो हर कोई रोता है बिल्कुल ऐसे उस सीन में वो मतलब उनका वो सिर्फ वो हंस के आपने रुला दिया हमें यार वो क्या था हाँ वो आंखों की चमक यार Yes. कैसे कर लेते हैं ये होता है एक अला पाए का एक्टर जो हमारे जितने भी सीनियर एक्टर्स हैं ये चीज करती है उनमें काफी काफी सारों में, काफी सारों में में जो अपनी का कुछ लोग फायदा उठाते हैं नाम नहीं लूंगा मैं यहाँ पे कुछ सीनियर्स एक्टर्स अपनी सीनियोरिटी का फायदा उठा के अपने काम को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं यहां पे ये नजर नहीं आता आप इस ड्रामे का कोई भी सीन उठा के देख लें इतनी सीरियसनेस इन एक्टर्स की इतनी सीरियसनेस है कि मेरे लिए ये इस साल के बेस्ट एक्टर है।, है आप इस साल का उनका कोई भी करेक्टर उठाएंगे हा, ना तो आपको उनके करेक्टर में कमियां नहीं नजर आएंगी ब्रेकिंग आई जेंटलमैन एंड का ही नेल्ड एवरीथिंग एवरीथिंग आप देखो ब्रेकिंग न्यूज, न्यूज। आ, 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 में सराइकी एक्सेंट था हाँ ठीक द, है यहाँ पे थोड़ा पंजाबी दूसरा वाला एक्सेंट एक्सेंट में भी आप फर्क लेके आते हैं

तो हमारी मीनू ने ठीक किया हाँ। और वो जो उसने आगे किया वो इतना खूबसूरत था कि नोफिल को मेडल सारे दे दिए हाँ। माँ को दे दिया एक जो है वो मौलवी साहब को दे दिया आ, मुझे एक कमी महसूस हुई सरताज चाची को भी देना चाहिए था ठीक है yes. एक मेडल ठीक है वो भी डिजर्व करती थी उन्होंने भी इस जनी में बड़ा साथ दिया फिर आ, वो जो आ, आ, अली ताहिर का करेक्टर है वो बड़ा खूबसूरत था आपके फेवरेट अधिल हुसैन आ, ब, 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 रोशन हाँ मेरी। उसको भी वैसे उसने मेडल so दिया। good. कितनी खूबसूरती से बहुत बहुत अच्छा आपने पीछे में पांच साल का फर्क दिखाया है आपने सब कैरेक्टर्स को थोड़ा थोड़ा बूढ़ा दिखाया थोड़ा थोड़ा बूढ़ा थोड़ा थोड़ा आप चेंज उनकी मुझे नकली लग रही थी हाँ, हाँ। लेकिन वो उन्होंने ऐसा हाँ, कराया कि जिसे है हाँ।

और हो, क्या। और हो कितना खूबसूरत था आपने यार इसको इसको क्लोजिंग कहते कहते हैं एंडिंग uh, दिया लेकिन उसको दिस इज व्हाट वी कॉल्टर और आपको reality. पता है मलिक नादिर ने कभी भी, कभी भी वो गलत था वो क्या चाहता था उसकी ख्वाहिश क्या थी कि उसका नाम ले लोग गलत कदम कभी नहीं उठाया था गलत का साथ दिया एक दफा बट उसने खुद किसी ऐसी एक्टिविटी क्रिमिनल एक्टिविटी में डायरेक्टली मुलवज नहीं रहा वो ये होते हैं ग्रे कैरेक्टर्स ये होते हैं प्यारे कैरेक्टर्स एंड सलूट टू क्या नाम है रिहान शेख एज़ वेल रिहान शेख ने भी सबसे बहुत यार किस किस की तारीफ करें बंदा अच्छा एक और सीन मेरे लिए बहुत जरूर बताएं और इसमें मुझे सहफी हसन की बहुत ज्यादा तारीफ करनी है रिमेम्बर वो एक सीन था वो बच्चा जब हाँ, आ, हाँ, सजल के पास हाँ, आता है और वो हाँ, फिर वो वो रोने लग जाता। अब ना बेचारा बच्चा है हाँ, उसे एक्टिंग हाँ, नहीं हाँ, आती और हाँ, उसको आप इतना डिफिकल्ट सीन हाँ, नहीं करा हाँ, सकते हाँ, तो उसपे वो जिन्होंने जिन्होंने वो कैमरा और वो कट कुट हाँ, किया है ना वो आपको उसने ही रुला दिया बिल्कुल

बहुत अच्छा रोम के हाँ। वेंस के रोड रोमियो वो नहीं जा रहा अभी तक हाँ। मैं शायद लंबा के किसी, हाँ। हाँ। किसी टीवी लाउंच में बैठ के कहा हमजा सुहेल की एक्टिंग आज अच्छी नहीं हुआ इवन ब्रेकिंग न्यूज आप देख लें जी ठीक है ठीक है आप ब्रेकिंग न्यूज देखें आप बंस देखें आप आ, ये जैद पत्तों का बन आप आ, एक इनका था ड्रामा मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा इनका एक और भी ड्रामा आहा? था बीच में मुझे नहीं आ हमने किया है रिव्यू हाँ किया होगा लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा ओ, मुझे भी नहीं आ रहा पर जो भी आपने किया आपने बहुत अच्छा किया है आप जो है जितनी भी प्रेज है वो डिजर्व करते हैं ठीक है पिछले साल भी ये बाप बेटा बेस्ट एक्टर थे इस साल भी ये बाप बेटा बेस्ट एक्टर होंगे लास्ट ईयर थे हाँ लास्ट ईयर थे अच्छा इस दफा भी होने वाले हैं हाँ इस दफा चलो लेट्स सी

अच्छा यार लेकिन जद पत्तों का बंद की जितनी तारीफ की yes, जाए कम yes, yes. स्पेशली आखिरी दो एपिसोड की वो कॉन्वोकेशन आप यार मुझे सजिल की बहुत तारीफ करनी है। बिल्कुल ऐसे ही यार आई लव हर स्क्रिप्ट सिलेक्शन गलत भी हो जाए सही भी हो जाए लेकिन एटलीस्ट कुछ ऐसा होता है जिसमें कुछ ग्लोरिफाई नहीं हो रहा हाँ। ये जो हमारी कोई तीन चार हाँ। बड़ी-बड़ी आजकल नेम्स बनी हाँ, नहीं है हाँ। ना इनको तो शर्म ही नहीं हाँ। आ रही कि हम किस तरह का हर तरह का काम पकड़ हाँ। लेती हैं अपने आप को बड़ा हाँ। दिखाने के चक्करों में कि इसके साथ कर लूंगी तो बढ़ाऊंगी उसके साथ कर लूंगी तो बढ़ाऊंगी स्क्रिप्ट है हाँ। बड़ी शिट है यार चलो कुछ नहीं तो एटलीस्ट उसमें ठीक है आप कितने सारे मैसेजेस और इस बंदी ने साइकिल चलाई साइकिल से हा, गिरी हा, एक सीन याद है आपको साइकिल से गिर हा, जाती हा, हा, है ठीक है और सर्दियों में शूट हा, करना हा, हा, फिर यार आप रोजों रो... में हाँ सबके रोजे थे आप मेरा आप चले थोड़ा मूड लाइट करते हैं मुझे ना ये जो जो इसकी फैमिली उसमें हाँ 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 तो हाँ हाँ ना वो बाप उसको ऐसे आंख मारता है वाज़ सो रोशन रिश्ते वाला क्लोज नहीं आपने किया उनको हुआ था नशों की वजह से आपने क्लोज नहीं किया हालांकि आपकी एपिसोड छोटी थी आप बीच में दो तीन मिनट का सीन डाल सकते थे आ, लेकिन आप शायद भूल गए या शायद आप उसको ओपन थोड़ा सा दिखाते वो आ, रिकवरी की तरफ जा रहे हैं चलें पूछ लेंगे कभी ठीक है तो ये भी हो गया तो मैं तो इसको 10 में से 9 नंबर जरूर दूंगा मैं भी क्योंकि अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ बोरिंग स्टफ जो कि आम लोगों के लिए है

मैंने क्योंकि ये सारा देखा हुआ है गांव का असल में ऐसा होता है हाँ। गांव एक्चुअली ऐसा होता है हाँ। आपने वो रियलिटी तक दिखाया इतने एक अच्छा मोलवी आपने दिखाया हाँ। मोलवी कितने हाँ। हाँ। आप मतलब हाँ। उस तरह के ठीक है।, है आपने एक मोलवियों की एक हाँ। हाँ। अच्छी साइड भी दिखाई आपने लॉट्स ऑफ करेक्टर्स जिनकी अपनी अपनी एक फिलोसफी है तो उस सब चीजों को देखते हुए आई कैन से

जी लेना दान <laughs> मूड को थोड़ा लाइट हां प्लीज क्योंकि मैं आई <laughs> वाज अबाउट टू क्राई <laughs> मूड लाइट कर दे लेना दान जी क्या कर रही है आपकी दुर्फिटे मुंह <laughs> लिटरली दुर्फिटे मुंह अब तो खा ली तो रानी ने भी कह दिया कि दुर्फिटे मुंह यार वो क्या हंसी था मोन बोल मुझे लगा तुम खड़े हो थप्पड़ मारने वाले था ना जमीला जी जो तुम आ मारा है मुझे मारा नहीं जी क्या करें अभी तुम अक्सर हमारे साथ फनी हाँ, फनी करते हो आजकल करता हूं ये हमारा आजकल नहीं ये 2018 से लगा हुआ है ठीक है तो वो लगा कि <laughs> ही मैं ही हूं जमीला जी मेरा नाम फिर आज से जमीला जी जमीला के देखो ना क्या उसने किया चुड़ैल ने उसको उधर से टिप मिली थी ना तानिया की तरफ से 5000 रुपए की हां 5000 में बिक गई 50000 में कल उस बेचारी ने लाके दी है

कि जो है कि वो एक्टिंग क्या हो रही है या दिखा हुआ कैसा है मैंने ऐसी माए देखी हुई हैं वो अपने बच्चों का ना वो खुद उनके बच्चे चाहे गंदगी के अंबार हो हाँ। कोई उनके बच्चों पे थोड़ा कुछ कर लेंगे वो आगे नहीं देखती किस एज का इंसान है हमारा उसके साथ क्या रिश्ता है वो नागिन बन जाती वो नागिन और हाँ। थप्पड़ भी मार देती है yes,

सैमा ऐसी लास्ट आपने बहुत पसंद किया कि सैमर चला की चाल अपनी भी भूल गया आ, आ. अच्छा इधर ऐसा कुछ नहीं है तानिया की अम्मी को कैंसर हो गया देखें <laughs> कल ही मैंने इसमत इकबाल का पिछले हफ्ते जिक्र किया था इस हफ्ते तो उनको कैंसर हो गया लीवर का वो भी, तुम्हें कोई गैस हो तुम्हें कोई कुछ कोई सिम्पटम होते हैं यार बैठे बैठे उसको लीवर का कैंसर हो गया शराब शराब नहीं पीती

करैक्टर करैक्टर का नाम दुर्दाना दुर्दाना अब दुर्दाना को हो गया कैंसर हाँ। अब दुर्दाना इस चीज को बैठ के मतलब रो रही है स्लाइके में कहते हैं चड्डे पीट रहा हां चड्डे बोलते हैं थाइस हाँ, को हाँ, थाइस। और इसमें है पछतावा करना हाँ, ठीक है हाँ। तो बेसिकली वो चड्डे पीट हाँ। रही है इस चीज के ऊपर हाँ। कि जी मैं जिंदगी भर इंडिपेंडेंट क्यों थी ये रिग्रेसिव सोच ये कितनी गलत पॉइंट है

आपके लिए आपके मुल्क के लिए बहुत हाँ, जरूरी हाँ, हाँ. हाँ, है आपकी इतनी उससे बेहतर हो जाएगी हाँ, ये तो फिर आपका काम है ना कि आप ऐसे जरा हाँ, करें हाँ, मर्दों हाँ, को तो हम हाँ, 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 नहीं, नहीं कहते ना कहते, नहीं कहते। आप पैदा करें आपके घर के हालात कितने चेंज हो जाएंगे अगर दो बंदे काम करने वाले हो जाएंगे और आपके दिमाग में ये होगा कि औरत एक इस तरह का है कि उनके लिए एक रिस्पेक्टफुल माहौल पैदा किया जाए तो आप नहीं पैदा करना चाह रहे आप नहीं करना चाह रहे ठीक है और हाँ। इस तरह के ड्रामे अब जियो के बैक टू बैक हम दूसरा ड्रामा डिस्कस हाँ। कर रहे रहे हैं हैं जिस ने औरत को वो 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 आज भी एक जो है वो चाहते है कि बस घर 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 में में पड़ी रहे। में पड़ी रहे, वो हाँ। की हाँ। करे घर हाँ। में खाने बनाए हाँ। अब अगर वो इंडिपेंडेंट है तो वो गलत है।, है और अगर इंडिपेंडेंट फॉर एग्जांपल दिखाएंगे भी ना हम किसी लड़की को तो उसके अंदर हम एक विलन वाला एक एलिमेंट ऐड करेंगे ये और एक सर्टेन एज के बाद जब उसको कैंसर हो जाएगा वो अपनी इस इंडिपेंडेंट होने को रिग्रेट करे हाउ रिग्रेसिव आपने लिखा ही गलत है करैक्टर को यार आप भी करैक्टर को लिखा ही नहीं आपने ये बताया कि वो विलेनस है वो विलेन है इस ड्रामे की Uh, she is a negative character. Yes. She has been fighting for uh, all life with her husband. Hmm. उसके बाद उसने डिवोर्स ले ली. उसके बाद उसने अपनी बेटी की गलत तरबीयत की hmm. कि जो औरतें इंडिपेंडेंट होती हैं, अपना काम खुद करती हैं, वो ऐसी होती हैं. हाँ. Huh. ये सोच आप develop ये? करना चाहते हैं. So. और वो अपनी इस पूरी Uh, अच्छा और वो कह भी रही है हाँ. अच्छा इत, ओडेसिटी लुक एट द ओडेसिटी ऑफ सादिया अख्तर एंड साइमा बलोच वसीम <laughs> साइमा वसीम कि वो कह भी रही है मैं इंडिपेंडेंट होना चाहती थी क्या मतलब तुम्हारा इंडिपेंडेंट होना तुम्हारी हाँ. गलती है हाँ। ये तुम्हारा हक है अगर तुम गलत एक मैरिज में हो अमर गलत अब अम मैं अमर कह रहा हूँ दूर नहीं कह रहा What तुम इंडिपेंडेंट हो हाँ। तुम्हारी अम्मी इतनी, इतनी बड़ी एग्जांपल है एक एग्जांपल हाँ। है वन एंजेल इंडिपेंडेंस की हाँ, हाँ। हम उसको बैठ के कैन यू इमेजिन ऑफ द कैमरा मैं और मून आपकी हाँ। अम्मी को कितने अच्छे वर्ड्स में अप्रिशिएट करते हैं ऑलवेज ऑलवेज और आप इस तरह की स्क्रिप्ट आपने किस तरह सोच भी लिया साइन करने का जिसमें ये सोच को फरोख दिया जा रहा है और इवन जो कैरेक्टर वो खुद कर रही है दुरीन आया वो क्या है वो भी एक कर रही है की पूजा क्या कर रही है और लुक एट जावियार एंड uh, yes. हाँ. अब वो जो है जावियार, yes. उसको पता भी लग गया हाँ, कि हाँ, अम्मी ने हाँ, गलत हाँ, थप्पड़ मारी है हाँ, हाँ. पैसे थीक? मैंने दिए थे उसको और हाँ, जो भी है दुर्फिटे थोड़ी दुर्फिटे रख दिया ठीक है

अरसलान वो सिचुएशन कितनी बुरी है वो मैं भी हूँ तो शक करूँ कि अपने हाथों से अपनी भाभी को खाना कौन खिलाता है भाई वो गैर ही है तुम्हारे ना महरम ही है ठीक खाइए शाबाश ठीक है तो इतना ख्याल तो करना चाहिए लेकिन फिर मेरे, मेरे में भी निगी वाली सोच आ गई है निगी तो खैर उसको षड्यंत्र के तौर पे ले रही और एक और मसला है एक और बड़ी गंदी बात बताऊं मेरे बड़े बाल हैं हम्म मुझे पता है मुझे दूर से पता लग जाता है कि आज बाल हैं और आज बाल हाँ, साफ हाँ, है। हाँ, क्योंकि मेरे अपने हैं ठीक हाँ, <laughs> है मुझे पता है। अब मैं ड्रामे में आप गौर करना क्योंकि ड्रामा सर्दियों में शूट हुआ हुआ है लड़कियों ने तीन तीन दिन तक कुछ कुछ लड़कियों के बालों से फील होता है बाल नहीं धोए सीबम है ठीक है किस नॉन सीरियसनेस के साथ ये ड्रामा बनाया गया है मुझे वो नॉन सीरियसनेस समझ नहीं आ रही ऊपर हाँ। से बैकग्राउंड म्यूजिक कितना गंदा है इसका ऐसे भी नागन चले आए शानी अरशद मुझे नहीं पसंद डे वन से एज अ ओएसटी मेकर और रेस्ट म्यूजिक आपको पसंद है कौन सा गाना अभी याद नहीं आ रहा अभी याद आ जाएंगे तो चलें खैर आई डोंट लाइक ठीक है काफी पी लीजिए ठंडी हो रही है ये हमारा डायलॉग ये आया था हाँ। है ना हाँ। <जण> कॉफी पी लीजिए ठंडी हो रही है हाँ। मुझे भी लगा कि ना लगान आंगन ने कहा सुना सुना लग रहा था 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 था। है तो इसने भी श्यामा जी ने भी डाल दिया बीच में सामाजी ने कहा चलो थोड़ी सी वाह हो जाए अच्छा नायाब हो गई प्रेग्नेंट

ये दुर्दाना जी को जब होश आया है ये किस तरह के डायलॉग बोलने लग गई है दु, दुर्दाना जी वही तो मैं कह रहा हूँ दुर्दाना की एक्टिंग कितनी बुरी है कैंसर हुआ फौरन ठीक हो गई हाँ। ये कुत्ते की मुझे ना, ना एक चीज समझ नहीं आती मुझे अच्छा मुझे ना ओवरनाइट तो होती नहीं मैं है। ना ए, इन जितनी भी कास्ट है दो बंदे मेरे लिए बड़े वो हैं रिस्पेक्टफुल रिस्पेक्टफुल एक तो है मेकाल

क्योंकि yeah. वो बल्दी फॉर लाइक अच्छी acting, अच्छा और अच्छी role, अच्छा मिस्टर मिस्टर शमीम शमीम उसमें उनकी एक्टिंग yeah. का एक yeah. हाँ, लेवल था इवन no no आप आई हेट दैट ड्रामा मन्नत मुराद बट yeah. उस्मा हसन yeah. ने इतनी अच्छी भाभी प्ले हाँ, की बिल्कुल तुम यहाँ क्या कर रहे हो ट्रू तुम्हारा तो नहीं बनता इस गांव का जब ये शू शू शूशी ये काम है करने वाले जाके तो सारे शूशी हां चलो मूविंग ऑन टू नादान नादान जी मोर मुझे नहीं पसंद आया मुझे नहीं पसंद आया मेरे अभी तक किसी करैक्टर के साथ कनेक्शन बिल्ड नहीं हो रहा अभी तक जब भी मैं ड्रामा देखता हूं मुझे लगता है मैं पहली किस्त देख रहा हूं चार किस्तें हो गई हैं मुझे अभी तक मेरा स्ट्रक्चर एजुकेट करना चाह एजुकेट कर रहे कहना कह जा रही। वही मैं कह रहा हूं ना कि आप एजुकेट करना चाहते हैं आप एजुकेट नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि आप खुद नहीं एजुकेशन शायद पता नहीं और दिस इज नॉट मेहरीन एट ऑल मेहरीन के काम में इतने ऊंचे ऊंचे बैकग्राउंड स्कोर नहीं होते थे भाई इतना शोर शोरस होती, हो, होती थी होती चुप चपीते हाँ, काम होते थे हाँ, जिनमें जरूरत के वक्त अगर बैकग्राउंड स्कोर चल रहा है हाँ। तो बैक गाना ठीक है मुंह मुंह पे पे नहीं नहीं बजता बजता मुझे नहीं आ रही समझ नहीं, नहीं मजा आ रहा मजा भी नहीं आ रहा कुछ मुझे नहीं समझ आया मुझे ये एपिसोड समझ ही नहीं आया और कहने पांच पांच छह दफा पीछे करके सीन समझने की कोशिश की नहीं आया पीरियड

देखिए आपने दो गलत बातें की हाँ। है एक तो पीर जो पूरी दे रहा है आप खाएंगे तो आपको आइस हो जाएगी हाँ। नहीं हाँ। फिर दूसरा आप कहते हैं नहीं मोहल्ले में आइस बहुत ज्यादा है कि जगह जगह कोई पी रहा है तो उसके बाद जाके आप हाँ। सूटा लगा हाँ। तो ये दोनों चीजें ये दोनों आपस में नहीं मैच हाँ, कर रही कॉन्ट्राडिक्टी हाँ। कॉन्ट्राडिक्ट्री हाँ। है।, है ये है ये भी है आप सही कह रहे हैं ऊपर से सियासत में क्या चल रहा है कोई समझ नहीं आ रही वो जो उसका अबू बना हुआ है जी माशवेब का वो क्या मना लो या कुछ भी कर लो पीर बड़ा शातिर आदमी है वो हमार शुब का अबू जो है कभी दिखाते हैं कि उसका कॉन्फ्लिक्ट है हाँ। और फिर जब गद्दी नशीन वाला सारा हाँ। वो हाँ। एक सेटअप चल रहा था तो वो वहाँ हाँ। बैठा हुआ था वो वहाँ बैठा हुआ yes. था तो उसको नाम नाम नहीं बैठना होना हाँ। हाँ। चाहिए हाँ। हाँ। और ऊपर से कॉल करके आ रहा है मैं अपने बेटे को बनाऊंगा सियासत में लेके आऊंगा

फिल्मी, हाँ। पुराना। पुराना ट्रीटमेंट बहुत था जो पहले काफी दफा हम देख चुके हैं। हैं। जी। यहां पे आप दोनों फेलियर इसका अबू है रमशा का जो बनाया हुआ है जो वैन वाला है हाँ। बड़ा दबंग मेरी बेटी ये मेरी बेटी वो मेरी बेटी फुल कॉन्फिडेंस रखता हूँ तुम पे अच्छा बाप दिखाया उधर जाके पी साहब के सामने था। भीगी भी नहीं बन गया और ओवरडोज में वो होश में भी वापस आ गई और फिर दोबारा फिर आपने गलत किया ना ओवरडोज तो ये है ना कि वो मार ही हाँ, गई हाँ, हाँ। आपने होश में भी दिला दिया उसे हाँ। डायलॉग भी दिलवा दिए मेरी माँ बाप वो फिर बीच में वो डोमेस्टिक अब्यूज ले आए ये आजकल ये भी बड़ा चल रहा है ना भाई या फिर अगर लेके आते इस तरह के टॉपिक को तो उसको ठीक से निभाएं भी अम्मी अब इकट्ठे देखूंगी मैं बर्थडे पे तो मैं ठीक हो जाऊंगी तो वो ठीक मर गई

बिल्कुल ठीक है दुनियापुर दुनियापुर बाद इसके कभी मैं आपका हाँ बताओ अच्छा दुनियापुर का मुझे बहुत आया रमशान ने मुझे बहुत किया लव यू रमशा सेम बहुत अपनी पावर अब अगर बनी है गद्दी नी तो आपने दिखाया कि यस आई कैन डू दैट

मार दिया तो प्लीज गाइड मी हाँ तो हमारे प्लीज गाइड क्योंकि वो सीन जो था ना कि अच्छा आप लीडर है। है तो। मिर्जापुर का है मिर्जापुर का ही है मिर्जापुर का है कालीन ये किया था अली फजल ने हाँ शायद मुन्ना भैया अली फजल जब आता है ना इस पोजीशन में जब वो कालीन अभी रीसेंट सीजन में फिर विरादेनशाह आपको पता है थोड़े से बॉलीवुडिश बॉली है बॉलीवुडिश है <laughs> तेरे नाम उठाई इन्होंने गंगू गंगूबाई उठाई ठीक <laughs> है उनका फिल्मी है ना फिल्म भी लिखी है विरादेनशाह हा, 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 को हां हां हा, हा। राधिन हा, फिर हा, वो हा। फिल्म भी चरबा होगी ना रहने दें अपना लिखो उनसे ड्रामा लिखो बट रामश ने वो सीन बोला बहुत रमशा का वो मुझे वो सीन भी अच्छा लगा जब वो कहती है वो, भी अच्छा था। का वो सीन भी अच्छा ना शामिल खान उनके साथ एक सीन yes, अच्छा अच्छा था वो भी अच्छा था ये हाँ। एपिसोड टोटली रमशा को दिखाई गई है कि रमशा इस रमशा का ये लेवल है अगली आएगी रमशा नहीं कहना क्या नाम है आना का ये लेवल है आना सॉरी भाई रमशन नहीं। अगले में शमीर आएगा हाँ हमारे खुशहाल अगले एपिसोड देखना सारी शमीर के नाम होगी यार आ, मुझे जो है वो आ, वो डायलॉग भी बड़ा अच्छा लगा आ, पुल समी खान और नुमान एजाज के, yes, के तो चार कदम के लिए आगे चलना बस इतनी औकात होती है उनकी बट स्टार्टिंग का सीन जो था ना जिसमें वो उनके घर में मुहासरा करते हैं मुहासरा ही बोलते हैं

उसको क्या बोलते हैं डिस्टर्बिंग इमेजेस हैं या कुछ भी है वो सीन चौक ग्राफिक ऑफ था हाँ, है। ग्राफिक क्या बोलते हैं ग्राफिक आ, ग्रा, मेरे मुंह में भी ग्राफिक आ रहा हाँ, था लेकिन मुझे वो नहीं आया अगला वर्ड जो भी है ठीक है हाँ तो वो जो है ना वो आ, वो नहीं थे थी। ठीक है कोई मसला नहीं है कोई म, आप कर सकती हैं डिसग्री कोई इशू नहीं है बट मुझे मज़ा आया इस एपिसोड का ठीक है आपके जो इश्यूज़ हैं वो बचा है अब उसका कॉस्ट्यूम कुशाल का कुछ तरह का होता है वाइबी भी क्यों गर्म सा होता है कि जहाँ पे जैसे भी दुनियापुर बहुत ही गर्मी सर्दी होगी ना सर्दी होगी ठीक है तो वो कॉस्ट्यूम्स में हार्मोनी बहुत जरूरी है आपने अगर ओवर द टॉप दिखाने हैं तो फिर सब ओवर द टॉप पहनेंगे हाँ। अपने-अपने कैरेक्टर के हिसाब से जैसे रामलीला में अगर आप देखें ना तो सब ने अपने-अपने कैरेक्टर हाँ। के, अपने अपने के हिसाब से ओवर द टॉप पहने थे तो वो थोड़ा सा मिसिंग है थोड़ा सा ये, ये, ये कह और वो देखिए ना गंजे वाले अंकल का भी डायलॉग अच्छा था इसके साथ शमीरे अच्छा गया लेकिन करेगा कुछ मुझे लगता है लाइक हिम इस एपिसोड में वो भी मुझे अच्छा इसमें मुझे ना एक्टिंग कहीं पे बुरी hmm. नहीं नहीं लगी अंडर प्रेशर हो की भी आपको, आपको। मोहब्बत में आप पकड़ देते थे उनको यही बात कहता था, था हाँ, ना मैं हाँ, हाँ. हाँ, हाँ. सेम बात कहता था कि इधर कुछ इधर कुछ इसको ऐसे आना चाहिए था इसको ऐसे आना चाहिए था तो तब फ्लो लगता है

लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये इश्यूज थे चलिए अगले एपिसोड में हम 리졸브 कर देंगे आपके जो इकट्ठे बैठ के देखेंगे ना हम जब अगले हफ्ते जरूर अभी आए किस में ये बस हाँ बस हम्म hmm, हाँ हम सारा कुछ डिस्कस कर लेंगे चलिए मूविंग ऑन कभी मैं कभी तुम तो। मैं तो रो रहा हूँ तू तो, तो रो नहीं मेरे को वर्स्ट

देर सो इशूज देर वर सेवरल इशूज मोल कुछ ऑस्कर भी थे छोटे मोटे छोटे चो, मोटे बड़े 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 बड़े, बड़े, बड़े।, बड़े पतले अच्छा जो अच्छी चीजें उनकी तारीफ करते हैं जी आ, अच्छी चीज सिर्फ एनी जैदी एंड फाद मुस्तफा नथिंग एनी जैदी का वो सीन मुझे बहुत बहुत इमोशनल था बहुत मजे का लगा खुद नहीं तरफ देखो बेटा देखो

तो हाँ, उसके पास मोबाइल तो अच्छा की है उसे भी कभी तो मोहबत्ती हाँ, नहीं क्यों गिरी तो इट वॉज नॉट लाइक वो नहीं लगा मुझे हाँ, हाँ। एक आप उसको किसी भी चीज से गिरा हाँ, सकते थे हाँ। किसी भी चीज से गिरा हाँ। सकते थे और किसी भी तरीके से हाँ, गिरा हाँ, सकते थे एक तो वो कन्विंसिंग नहीं था हाँ उसके बाद आपने दिखाया कि शर्जीना की इतनी सारी कॉल्स उसकी माँ को आई हुई है उसके बाप को आई हुई है, है आपने वो सीन ही नहीं दिखाया हाँ, शरजीना ने ये कॉल्स कब की नहीं फिर आप इसमें ये वाला तो के नहीं वो वाली कॉल्स मुस्तफा ने की है, तो फिर आप मुस्तफा हाँ, को दिखा हाँ, दो उसने कॉल की ठीक है मुजा की स्ट्रगल मुस्तफा की स्ट्रगल आपने नहीं दिखाई कि वो शरजीना को किस तरह से अगर देखिए ये सब आप वो दिखाते ग्रेजुअली दिखाते हैं ना तब आप इमोशन के साथ ज़्यादा कनेक्ट हाँ, हाँ, करते हाँ, हैं। हाँ। जो कि इस ड्रामे की खूबसूरती थी कि लॉजिकल पॉइंट्स उठाएंगे और फिर आप कहेंगे हाँ। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। इस सीन के साथ आप रिलेट करें नहीं करेंगे तो नहीं होगा आप अगर आपसे हुआ तो आप बता दें से भी नहीं हुआ ना रीजन जिसकी वजह से आप इन सीन्स को ये अच्छा मुझे एक बात बताओ जी, जी मुझे समझ नहीं आती एक, ये मसला मुझे नूरजहां में भी आया था कि आंड की एपिसोड देख में आप चॉप क्यों करने लग जाते हैं चीजें जैसे उसका वो खुदकुशी वाला सीन में क्वेश्चन पूछना मेरा रह गया इतना बड़ा मेरा क्वेश्चन था जो मुसद्दिक से पूछना था खैर तो वो वाला एक खुदकुशी वाला चॉपिंग ये इधर इतना बड़ा चॉपिंग तो ये इट डजंट मेक सेंस

अब उस तरफ ना रुबाब वाली साइड की तरफ एक तो रुबाब ने जो शीन का ड्रेस पहना हुआ था इट वाज शीन 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 यस और वो भी शीन जो पे शीन। जी शीन के ना कुछ प्रोडक्ट्स हाँ। होते हैं जो मुंह पे कहते हैं हम शीन शीन और जो बहुत शीन होते हैं ठीक है बाय अपने अपने जोड़े जी जैसे जी 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 जरूर मंगवाए मुस्तफा हाँ। की जरा बेटर वर्ड है हाँ, क्योंकि जोकर एक बड़ी हाँ, फिल्म है हाँ, हाँ, हाँ।, हाँ जो एक्टिंग है ना, तो आपसे जानी जाती है ठीक हाँ, है शी वाज लुकिंग क्लाउन क्या था वो आज ये जो आवाम इसको चढ़ा रही है ना सर के ऊपर कल को बैठ के अपने सर पीटेगी पीटे जब ये इस तरह की एक्टिंग करेगी तो माथे पीटेंगे लोग शी इज वर्स्ट एट इट शी इज वर्स्ट एट इट शी इज द मेन पार्ट ऑफ द प्लॉट यार

कुछ जो देसी लोग होते हैं ना जो बाहर चले जाए पढ़ के वापिस आए तो वो इस तरह के अंग्रेजी बोलते okay. हैं ये तब तक वैलिड था जब तक रुबाब को हमने रियल लाइफ हाँ, हाँ। <laughs> अब हम उनको इंटरव्यूज में देख चुके हैं वैसी ही है इसका मतलब भी करेक्टर नहीं है या हाँ। तो मेरे वो खुद देसी है हाँ। <laughs> जो बाहर से पढ़ के आ गए वेरी वेरी और ये आपको क्लोजिंग सीन होने वाला था थोड़ी सी आपकी पिंडलियां नजर आ रही हाँ। थी अब आपने बर्थडे रखी उसकी हाँ। अदील हाँ, अदील की ये इधर आप जरा डायरेक्टर की सारी हाँ। आज कच्ची हैं हां हाँ, डायरेक्टर ने बहुत गलतियां की अब आपको पता था कि इस सीन में इसको केक लगने हैं हाँ, हाँ, तो इतने बड़े इवेंट में मैं इसको कैसे बिलीव कर लू कि अदील ने टी शर्ट पहनी हुई है हां एम मेकिंग सेंस बिलीवेबल यस ट्रू वो कैसे पहनेगा इतने बड़े अवाम के उसमें उसने टी-शर्ट क्यों हाँ। पहनी हुई उसकी बर्थडे है भाई फॉर्मल होना चाहिए था ठीक है और वो जो केक वाले सीन को सा... मुझे तो लगता है कि इट्स इट्स पेड गिग के रुबाब को उठाओ हम्म शायद क्योंकि मुझे नहीं उसकी रेलेवेंस या उसकी एक्सीलेंस समझ नहीं आती नेगेटिव कैरेक्टर की एक्सीलेंस समझनी है तो आप सबीना का, का काम देखें इन तेरे बिन हां ऑल दो बड़ा सिटी करेक्टर हाँ, हाँ लेकिन थी वो थी थी वो और बढ़िया हमारे ड्र, ड्रमों में क्या हो गया यार अच्छा मैंने अपने एक दोस्त से कहा मैंने कहा थोड़ी देर के लिए अज्यूम करो नवीन वकार होती है हम सफर वाली किल कर देती मुझे वो लेवल चाहिए हाँ। था हाँ। एक साइकोटिक और वो ये तो क्योंकि वो, वो करेक्टर लिखा हुआ बड़ा साइकोटिक सा है तो बहुत शिटी किया इन्होंने सिटी सिटी आई वुड से यस आपने इतने बड़े ड्रामे के इतने बड़े करेक्टर को मार दिया है फोद कर दिया दो लोगों ने एक ये और एक भूषण भूषण ओवर टू यू अरसलान इतने प्यारे सीन लिखे हुए राइटर ने इतने इमोशनल सीन लिखे हुए राइटर में अब मैं कैसे मान लू कि एक औरत घर से निकाली हुई है वो दो चार दिन अपनी बेटी के घर रह के रोल खुल के बर्बाद हुई हुई, हुई है आ, uh, कैसे उसके नाखून इतने लंबे लंबे मैनी पेड मैनी पेडी और मैनी और हुए हुए हैं कैसे Manical. वो फुल मेकअप किया हुआ है उसने कैसे उसकी आंखों के आई शेडो भी लगे हुए हैं कैसे वो गहरी लिपस्टिक लगा के हाओ तो ये सोच रही हूँ कि मुस्तफ़ा और शर्जीना पे क्या गुजरी होगी जब हमने उन्हें आधी रात को घर से निकाला और और डार्क आई आई ब्रो फुल फुल लाइन लाइन How, कैसी में मैं कर मुझे ही याद नहीं आया यकदम इतनी भी हम सारी के दुश्मन नहीं, नहीं है। है। चुराहा हाँ। कितनी अच्छी थी विदाउट कुछ कुछ सीन थे चुराहा, में। और चुराहा yes. इतना पुराना ड्रामा नहीं, नहीं है।, है पिछले साल का की एक्टिंग प्री तेरे बिन पोस्ट तेरे बिन टोटली बिल्कुल ऐसी यार दिस इज लाइक मैं कैसे मान जाऊं ऊपर से आप अप अपना एक्टिंग का यार खुद थोड़ा सा सोच लें आई वाज कंफ्यूज मुंह पे केक मिला भी थी ऐसे करके हंस रही थी ऐसे करके। ये तो बदर महमूद की सीरियसनेस है क्या आप देख ले कि आप, आप हंस रही है बजाय फिर बोटोक से इतने ज़्यादा है कि आपके एक्सप्रेशन ही नहीं 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 आ रहे मुनी नहीं कहना नहीं कहना, था। नहीं कहना था चलो कर ने कहा था। अच्छा चलो। <laughs> लोगों कमेंट भी मैं क्या करूं इसमें यही मैं कहता हूँ ना कि मुझे मुझे ये बात लॉजिकली मेरे लिए मुझे अभी तक मुझे वैसे उस दिन अलीना से भी इससे कोई लॉजिकल हाँ, आंसर हाँ, नहीं मिला था आपका काम है आप एक्टर हैं

शुक्र है मैं उनका ही नाम देने लगा क्या कहती है माया खान माया खान कहती है कि मैं सारी जिंदगी ही मेरे से सट सट ड्रामे ड्रामे नहीं में, होती इस ड्रामे में, हदील भाई ने, मुस्तफा, दे, से इस में सारी जिंदगी <laughs> मुझे तो माया खान का इतना ओवर ड्रामेटिक हालांकि मुन आप एक, एक लॉजिकल रीजन भी लेके हाँ, आए थे और वो सच है वैसे मैं अभी भी कुछ लोग होते हैं ऐसे मेरी फैमिली में है इसलिए मैं इससे कनेक्ट कर पाता हूँ मैं जूता उतार के तुम्हारे मुंह पे मारूंगा कि मैं देंगे 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 जूता मुंह पे मारूंगा वजह मैंने सुना है एक बहुत है पूछूंगा आपसे बता देता हूँ बेहद अब बेहद दो है

राइट रू डायरेक्टर हो हर ड्रामे में कोई नया बंदा जेल में जाता है तो मैंने कुछ नहीं किया हाँ हर बंदा जब आता है यही कहता है और और एक कोई लड़का प्यारा हो तो उसको चिकना कह देते हैं ये क्रिएटिविटी है आपकी बे माज इफानी प्यारा है तो उसको चिकना कह दिया ये क्या ये क्रिएटिविटी है यार आपकी कहा गई क्रिएटिविटी मैं इस चीज पर आजकल बहुत तपाऊ हमारे राइटर डायरेक्टर की मैंने उधर भी चीखा हूँ अरसलान जान सार में ये क्रिएटिविटी है आपकी कोई लड़का प्यारा है, चिकना कह दो बस बात खत्म और चिकने किस किस दिन में आया है और गोरा और उसको ना सोने देते हैं और वही मच्छर मच्छर तंग करते हैं एम मच्छर मारता रहता है यार क्या क्या मतलब जेल में यही कुछ होता है जेल में कोई अच्छा सपोर्टिव एक और बात बताएं बताए डेढ़ लाख में इतना प्यारा फ्लैट कहां से मिलता है यही भी नहीं मुझे पता कितना लग्जूरियस है वो ऑफ

नहीं, वो वो बात नहीं बताऊंगा जो तुम्हें बताई थी आपको छह महीने बाद लेकिन ये क्या बर्थडे गिफ्ट पुराना फोन लिया नया दिया चलो कोई बात इसमें पैसे कितने पड़े होंगे ये बताया वो उसने दिए हाँ तो फिर ऐसा नहीं है चले खैर मेरी बात सुनियन

As और everything. वो जो प्रूफ्स थे As आपके CCTV वो नताशा footage. वाले that, वो आपके नताशा वाले थे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आपने वो नताशा वाली रिसर्च तो हमें दिखाई ही नहीं जो कैसे की किसके करवाई सीसीटीयू हा, फुटेजेस हाँ। तो स्टोर जब, से जब काई? आपको एयरिंग मिला उसके बाद तो आपका रिसर्च वाला कोई सीन ही नहीं आया नहीं है। किसी को रिसर्च कर रहे थे किसी कॉल करती हेलो हाँ मुश्ताक ये कर दो जरा क्रेडिट कार्ड में कहाँ का पेमेंट आप ये दिखाओ हेलो हाँ, रज़ाक बताओ तो फिर मतलब ऐसे ना तो फिर आप फिर नताशा को से निकालो ऊपर से ये बर्थडे वाला सीन जो है हाँ, वो आई है नताशा तो कहती है बताती हुं, बताती हुं, सब आ तो फोर... सब ये नहीं किया हाँ, भी दस देती वेट तू आज वाला एपिसोड वो आज के दो टिपिकल बदर टिपिकल बदर महमूद इस इस इंसान को इज्जत रा अपना कहीं ना कहीं गंदा सॉरी आपने बड़ा खूबसूरत काम किया आपने हाँ। आपने हमारी राय चेंज की आप अपने बारे में हाँ। लेकिन वही मैं दिखाया आखिरी दो एपिसोड में ये जो अभी इस फ्रॉड फ्रॉड दिखा फ्रौड नहीं मुझे प्यार हुआ था नहीं था, नहीं था। चले चले क्या बेस्ट एक्टर आप किसको देना चाहेंट किस एक्टर इस वीक देना चाहूंगा मैं तो हाँ मुझे फिर शशोपंच में डाल दिया चले सजल अली फुशोर ये मुझे अली ताहिर को भी देना मलगना तेरा ख्याल कौन करता वो तो बिल्कुल बच्चा हो गया अली ताहिर भी इसके सारे लोगों को उठा उठा के एक सीन में दे दूंगा लड़के को कोई मसला नहीं कर लोगे हाँ मुबशिर को भी लूंगा मैं शेख मुबशिर को हमजा सुहेल को लूंगा मैं हो, रूप तेरा। ठीक है सभी बनते हैं भाई बेस्ट सब परफॉर्मेंस सबकी है ठीक है कोई रह गया तो फिर

रुबाब रुबाब थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मेक श्योर ये वीडियो आप पोस्ट करना ना भूलिएगा ओके ठीक है रुबाब अगले हफ्ते तो हम शायद देना ना दे पाएंगे नॉट कन्विंसिंग मैं आपा को ना मैं आप पर दबाव डालती ना आपको घर बेचना पड़ता और ना हम इस तरह खुआर होते ना हमें पता है एक मिनट हमें पता है हम उठा के ब्लॉगर बने हुए हैं बट इट वॉज नॉट क्लियर कोई कनेक्शन अच्छा आपा आप को मैं देना चाहूंगा उसका ठीक है जी आपको बनता है बुशरा आपा आपने मेरी रोना बर्बाद की है हां मैं रोना चाहता था आपने मुझे रोने दिया हाँ, हाँ, आपने मुझे हंसने पे मजबूर किया हाँ, हाँ। <laughs> चलें ठीक है कमेंडस कमेंडस जी मुझे पहला आपने या मैं एपिसोड थी ये है जी मुस्तफा और सजीना हु इज राइट

क्या कहेंगे आप इसके बारे में सही कह रही हैं बात तो है वैसे दम है बात जी ये आप बड़ी लॉजिकल पॉइंट लेके आते हैं आई लव आई लव लारा दिया भाई mm. बहुत प्यारे कमेंट्स करती हैं अच्छा जी कंदील चौधरी हैं वो कह रही हैं यू गाइस आर राइट अबाउट द एग्रेसिव थॉट्स ऑफ दिलेना दास राइटर शी इज राइटिंग एग्जैक्टली व्हाट द मदर्स ऑफ द सोसाइटी वांट टू वॉच एक्चुअली शी इज सर्विंग द देम दैट दानिश टाइप ऑफ बिरयानी व्हिच दे लव टू ईट मदर्स और मदर्स इन लॉ आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ

सो हार्ड इमोशनली हो जाते हैं, जा, हो जाता हूँ वक्त बहुत जल्द गुजर जाता है पता ही नहीं चलता yes. True. Yes, जी

डेट अरसलान भाई एंड योर हेयर कट लुक्स वेरी नाइस नोट कर लिया हां नवी नवी कटिंग हुई थी उस दिन पे हाँ. मैंने आज <laughs> अच्छा मैंने बयान ही नहीं किया वो हाँ. फिर हो गया ठीक थिंक पद्मा पूनम वाला कहती हैं आई वाज डाउन एंड पुट योर शो यू गाइस आर सो हिलेरियस थैंक यू एंड कूदोस्ड बोथ ऑफ यू होप योर शोस क्लाइम द लैडर एंड सी सक्सेस इंशाल्लाह मेरी जान थैंक यू सो मच बहुत शुक्रिया आपको इंजीनियरिंग एमैनर्स तो कहते फाइनली फाउंड अ ड्रामा दैट कंपीट्स विद द कोरियंस कभी मैं कभी तुम सुपर मेसी ठीक है okay. ओके

अच्छा जी नेक्स्ट है जी एगुल कहते हैं कभी तो मैं कभी ये बहुत बड़ा है चलो मैं पढ़ लेता हूँ कभी मैं कभी तुम्हें मोन न चलाना हमारा गिव ऑल क्रेडिट टू डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर दे नो हाउ टू गेट रियल एसेंस वेरी ऑफन अप्रिशिएट एक्टर्स मेन और साइड एक्टर्स वीफर गेट कैप्टन ऑफ द शीट डायरेक्टर मेक एक्टर एक्ट लुक एट हानिया इन कभी मैं कभी तुम सेम हानिया इन कैसी है रसवाई फेवरेट ऑन स्क्रीन कपल फ्रॉम मेरे हम सफर इन कैसी है रसवाई बट लुक एट डिफरेंट थानिया डोल्ड अपलवेज नीट टाइट कर्ल्स मेकअप इन ऑल सीन्स स्टोरी ऑन सैड ट्रैक इवन द थानिया इन मेकअप इन द कैसी है रसवाई बैड वीक एक्टिंग

सजल एंड अच्छा दैट प्ले सो गुड ही वाज चार्मिंग हिज प्लस हिज एक्टिंग बॉडी लैंग्वेज एक्सप्रेशन स्टाइलिंग एनहांसिंग ब्यूटी ऑफ प्ले क्या नाम था ड्रामा का तारेला होती क्या तारेला होती अच्छा मैं शुक्र है ताहिर मुझे लगा क्या कह रहा तारे है तारेला अच्छा एमजे है वो कह रहे हैं मैंने वो नॉवेल पढ़ा हुआ है ना achha, हाँ. ये उनका था रिफराज का नॉवेल था इतना मोटा नॉवेल था मेरे okay, ख्याल okay. में उसकी 50 प्लस एपिसोड्स थी बड़ा दो तीन साल चला yes, था खैर एन जेड सिक्स नाइन एट कहते हैं मोहन भाई एंड अरसलान भाई आप लोग भूल गए अनमोल ब्लोथ मम्मी इन इकतदार इस सेम एक्ट्रेस एशर जीनास दुबई वाली खाला हु केम टू अटेंड हर वेडिंग एस yes.

माहिरा तो फिर थी थी मैं मैंने मैंने कहा था इट वाज वन ऑफ ऑब्वियसली मैं ये तो नहीं कह सकते सबसे ही अच्छा था बट इट वाज वन ऑफ ठीक है so सो जी ये था हमारा yes. आज का एपिसोड आई होप आपको पसंद आया होगा मजीद इस तरह की वीडियोस और मैं हमेशा और क्यों कह देता हूं और uh, वीडियोस 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 इस तरह की वीडियोस और कंटेंट देखने देख के yes. लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मुझे मुझको इजाजत अल्लाह हाफिज़